तीन मंजिला ये इमारत और इसका बेसमेंट भी बनाया गया था। इसके ऊपर 25 फीट का निशान लगाया गया इस बिल्डिंग को गिराने के लिए। और इसकी बेसमेंट भी देख सकते हैं आप, तामीर की गई थी बेसमेंट में। देख सकते ये कचरे वच्चे भरे हुए, ये बेसमेंट की सूरत हाल, नाले का पानी बेसमेंट में आया हुआ है। तो बेसमेंट भी बनाए गए थे नाले के करीब। यहाँ पे कारखाने, गोदाम और बड़े बड़े यहाँ पे बंगले वगैरह मौजूद हैं, जिसे मुनज़्ज़म करने के लिए यहाँ पे बदरिया लेबर भी वर्किंग जा रही है और बदरिया मशीनरी भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। छतों पे देख सकते हैं लेबर मौजूद है। और ये इमारतें देख सकते हैं जो कि नाले से करीब यहाँ पे तामीर की गई थी। फैक्ट्री की इमारतें भी मौजूद हैं यहाँ पे, वेयर हाउस भी मौजूद है और साथ साथ यहाँ पे रहायशी इमारतें भी मौजूद है। लियाकताबाद FC एरिया और नाजाबाद नंबर 4 के इलाका यहाँ के। ये देखिए बिल्कुल नाले से क्लोज यहाँ पे तामीरात की गई थी। और आगे देख सकते हैं जो कई मंजिला इमारत बनाई गई थी, ये क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नाले से क्लोज। यहाँ से पैदल गुजरना भी तकरीबन नामुमकिन होता था। ये देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे गुजर नाला और बिल्कुल नाले से शदीद गर्मी और धूप में देख सकते हैं ये खान साहब वर्किंग जारी रखे हुए इस इमारत को, RCC की मजबूत इमारत को मुनज़्ज़म करने के लिए वर्किंग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जावेद कमर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरे राइट साइड पे लियाकताबाद FC एरिया और मेरे लेफ्ट साइड पे नाजाबाद 4 नंबर का इलाका। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाले से क्लोज लोगों ने यहाँ पे, जिस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ इस पॉइंट तक लोगों ने मकानात बना लिए गए थे, जिसे मुनज़्ज़म किया जा चुका है। और दोबारा से यहाँ पे इमारतों पे निशानात लगा दिए गए क्योंकि नाला यहाँ पे काफ़ी चौड़ा नाला बनाया जा रहा है इस पॉइंट पे। और इसके दोनों तरफ सड़कों की तामीरात के लिए काफ़ी जगह चाहिए था, तो यहाँ पे दोबारा से जैसे ये इमारत जो कि इंतहाई शानदार यहाँ पे इमारत बनाया गया था, ये बंगला देख सकते हैं आप, तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे जो बाउंड्री वाल थी, इनके लॉन वगैरह थे, इसे मुनज़्ज़म किया जा चुका है। और आगे जो लोगों ने इंक्रूचमेंट के तहत तामीरात किए गए थे उसका हिस्सा भी देख सकते हैं मुनज़्ज़म किया जा चुका है। और आगे मजीद वर्किंग जारी है, बजरिए लेबर भी छतों पर लेबर भी मौजूद है और एक से ज़्यादा मशीनरी भी इस पॉइंट पर मौजूद है। तो अभी मैं आगे चलूँगा और यहाँ पर जो ऑपरेशन इस वक्त की जा रही है उसकी सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। और ये इलाका मुकम्मल तौर पर FWO के हवाले किया जा चुका है और ये मुनज़्ज़म शुदा इमारत के मलबों से ये सरिये वरिये निकालने का काम जारी है। और इस इमारत में इस वक्त वर्किंग भी की जा चुकी है और ये अपनी मदद आप के तहत अपने ये दोबारा से बाउंड्री वाल वगैरह की तामीरात के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे नाले से करीब लोगों ने इमारतें भी बनाई हुई थी और काफ़ी आगे बढ़ के उन्होंने नाले के साथ इंक्रूचमेंट भी किया हुआ था। खाने की फैक्ट्री के हमारे से पहले जो निशान था वो ये वाला था, अच्छा पहले पुराना निशान कौन सा था? अच्छा ये दिखाइए जरा, आ रहा हूँ 2 मिनट। ये पहले निशान लगाया गया था ना, ठीक है। अच्छा आगे तकरीबन कहाँ तक ले गए? 23 फीट। 23 फीट इस निशान से मस्जिद आगे। ये क्या फैक्ट्री है ये सर? पेंपर की फैक्ट्री? अच्छा पेंपर का ये काम होता है यहाँ पे। अच्छा जी ये, अच्छा यहाँ तक निशान, यहाँ तक जाएगा ये जी। तो यानी कि टोटल 23 फीट, ठीक है। नाले के अतराफ में यहाँ पे ना सिर्फ रिहायशी इमारतें मौजूद हैं बल्कि ये जो देख सकते हैं ये वेयर हाउस है जहाँ पे पैंपर वगैरह यहाँ से सप्लाई किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। मज़ीद आगे चलता हूँ, आपको मज़ीद यहाँ की सूरत हाल आपके साथ शेयर करूँगा। देख सकते 36 फीट का यहाँ पर निशान लगाया गया है। यहाँ पे कारखाने, गोदाम और बड़े बड़े यहाँ पे बंगले वगैरह मौजूद हैं, जिसे मुनज़्ज़म करने के लिए यहाँ पे बदरिया लेबर भी वर्किंग जा रही है और बदरिया मशीनरी भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। छतों पे देख सकते हैं लेबर मौजूद है। और ये इमारतें देख सकते हैं जो कि नाले से करीब यहाँ पे तामीर की गई थी। फैक्ट्री की इमारतें भी मौजूद हैं यहाँ पे, वेयर हाउस भी मौजूद है और साथ साथ यहाँ पे रहायशी इमारतें भी मौजूद है। लियाकताबाद FC एरिया और नाजाबाद नंबर 4 के इलाका यहाँ की सूर्य लेबर वर्किंग की जा रही है। और यहाँ से मैं आपको कह रहा था कि पैदल किसी किस्म की गाड़ी तो दूर की बात, यहाँ से पैदल गुजरना भी माल होता था। तो देख सकते हैं इस वक्त यहाँ की सूरत हाल, ये देखिए बिल्कुल नाले से क्लोज यहाँ पे तामीरात की गई थी। और आगे देख सकते हैं जो कई मंजिला इमारत बनाई गई थी, ये क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नाले से क्लोज। यहाँ से पैदल गुजरना भी तकरीबन नामुमकिन होता था और इंतहाई दुश्वारी के साथ, और ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में तो यहाँ पर काफ़ी शदीद मसले मसाल होते थे। और इस वक्त देख सकते हैं इस इमारत के छत के ऊपर जो कि नाले थे क्लोज तामीरात, इसके ऊपर लेबर मौजूद है, बदरिया लेबर इसे मुनज़्ज़म करने के लिए वर्किंग जारी है। ये लियाकताबाद के इलाका और राइट में नाजाबाद के इलाका।
तो अभी यहाँ पे लंच ब्रेक का टाइम हो चुका है और ये छत पे शदीद गर्मी और धूप में देख सकते हैं ये खान साहब वर्किंग जारी रखे हुए हैं। इस इमारत को RCC की मजबूत इमारत को मुनज़्ज़म करने के लिए वर्किंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे गुजर नाला और बिल्कुल नाले से क्लोज यहाँ पे हमारे से मौजूद हैं। थोड़ा मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ से पैदल चलना भी इस वक्त भी मुश्किल है। ये देखिए बिल्कुल नाले से क्लोज यहाँ पे हमारे से बनाई गई थी। एक मिनट अरे यार, नाले से क्लोज फैक्ट्री कारखाने और मकान जिसे मसमार करने के लिए जो वर्किंग की जा रही है। काफ़ी इस वक्त गर्मी है कराची में, शदीद गर्मी और इस वक्त सख्त तरीन धूप में इस वक्त वर्किंग की जा रही है। ये सब देख सकते हैं मलबे से सरिया निकालने के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और आगे FWA की निगरानी नाले की सफाई नाले की वसत के लिए वर्किंग जारी है। इलाका FWA के हवाले किया जा चुका है और इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का मत तकरीबन इस पॉइंट पे मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। और जो थोड़े बहुत नाले से क्लोज इमारतें वगैरह एक कारखाने फैक्ट्री की इमारतें मौजूद हैं तो उसके ऊपर बजरिए लेबर बजरिए मशीनरी वर्किंग जारी है इस पॉइंट पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर। और ये बर्फ़ खाना है गालिबा, देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री। तो ये नाज़ाबाद नंबर चार यहाँ पे ज़्यादातर कारखाने और फैक्ट्री की इमारत यहाँ पे नाले से क्लोज बनाई गई थी। तो ये कारखाना ये फैक्ट्री जिसकी इमारत यहाँ पे जिस पर निशान लगा दिया गया है तो इसे अभी आइंदा कुछ दिनों में यहाँ पर वर्किंग की जाएगी। तो ये फैक्ट्री और कारखाने की इमारत यहाँ पे ज़्यादातर तामीर की गई थी।